जय जेसु प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 294वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। हम मनन करते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के 32वां अध्याय पर, यिर्मयाह के 29-30 अध्यायों पर और मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 6 पर। प्रवक्ता ग्रंथ के 32वां अध्याय में सबसे पहले दावत के समय पर किस तरह हमें आचरण करनी है और उसके शिष्टाचार कैसे होता है उसके विषय में प्रभु हमको शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में यहूदियों के लिए दावत पर जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता था। आज भी कम नहीं है, पार्टी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन दावतों पे हमें कैसे आचरण करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हर एक समय पर अपने आचरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से तीन बातें हम पर बताई गई है। सबसे पहली बात, दूसरों की बात सबसे पहले आपको सोचना है अपने से ज़्यादा। जैसा कि लिखा है, दूसरों को सुव्यवस्थित करने के बाद ही बैठ जाओ। अपने बारे में सबसे पहले सोचना नहीं है, दौड़ के अपने लिए दौड़ भाग करते हुए अपने लिए जगह ढूंढना और जितना खाना मिलता है वो सब पहले खा लेना, ये ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों का ध्यान देना है। और दूसरी बात यहाँ पर है, सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना। दूसरों के बीच में बैठते समय ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है। युवकों, जरूरत पड़ने पर बोलो वचन 10। और अच्छी बात यह है, मौन रहकर दूसरों की बात सुनो वचन 9। दो बार पूछे जाने के बाद ही बोलो, मतलब जरूरत से ज़्यादा बोलना नहीं। उस व्यक्ति की तरह बोलो जो बहुत जानता किंतु कम बोलता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात, समय पर उठकर घर जाना है। जरूरत से ज़्यादा समय दावत पे बैठे नहीं रहना है और पार्टी में सब जरूरत से ज़्यादा समय बिताना नहीं है। सीधे अपने घर जाकर मनोरंजन करो, परिवार के साथ रहना, वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार समय बिताओ परिवार में। इसलिए आपको समय पर घर जाना है। और सबसे मुख्य बात उसके कंक्लूशन में पहले भाग के अंतिम वचन में लिखा गया है, वो है 17वां वचन, सब कुछ के लिए अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दो जिसने तुमको इतने उपकार प्रदान किया। अच्छा खाना सब दिया, लोगों से मिलने दिया और एक पार्टी में दावत पे जाने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना भूलना नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात, हालेलुया। और दूसरा भाग, ईश्वर पर श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा की बातें हैं। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। प्रभु पर श्रद्धा का मतलब ही यही है कि उनके वचन का पालन करना, उसकी इच्छा को पूरा करना। जो प्रातः उसकी खोज करता हुआ उसकी कृपा प्राप्त करता है। बड़े सवेरे ही प्रभु की खोज करने के लिए उठना, ये वचन में अनेक जगह में अलग अलग रीति से हमारे सामने प्रभु रखते हैं कि सुबह उठकर प्रार्थना करने की जरूरत। और वचन 20, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे धर्म का मर्म समझेंगे, वही धार्मिक व्यक्ति है। हर कार्य में प्रभु पर श्रद्धा और उनके सत्कर्म प्रकाश की तरह चमकेंगे, लोगों के सामने वे साक्षी बनेंगे। वचन 27, तुम सावधानी से अपने सभी कार्य करो, इस प्रकार तुम आज्ञाओं का पालन कर लोगे। इसलिए अपने सभी कार्य में सावधानी, प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों को यह सावधानी एक आशीर्वाद के रूप में मिल जाती है। प्रभु को धन्यवाद। यही अध्याय प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 32, प्रभु को धन्यवाद इस अध्याय के लिए, हालेलुया। यिर्मयाह के अध्याय 29 में हम सबसे पहले देखते हैं यिर्मयाह बाबुल के निर्वासितों को एक पत्र लिखते हैं। उसकी पृष्ठभूमि यह है, निर्वासन में कुछ लोग चले गए। सबसे पहले आक्रमण में नबुकदनेस्सर ने यूदा पर आक्रमण करते हुए यूदा के राजा यकोनिया या यहोयाकिन, दोनों एक ही नाम है, उनको बंदी बनाकर लेकर गया। साथ में अनेक लोगों को भी लेकर गया, लेकिन ज़्यादातर लोग
रह गया यहां पर, यूदा में ही रह गया, यरूशलेम में। और जिनको लेकर गया उन लोग सोचते थे कि हम तुरंत ही प्रभु हमको वापस लेके आएंगे 1-2 साल के अंदर, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा नबी हनन्याह किस तरह भविष्यवाणी की, इस तरह काफी प्रवक्ताओं ने, यानी भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की, झूठे नबी भविष्यवाणी की, अब नबूकदनेस्सर की जुआ प्रभु तोड़ देगा, 1-2 साल के अंदर हम लोगों को वापस ले जाएगा। इसलिए वे लोग सब वापस जाने के लिए तैयार होकर बैठे, लेकिन प्रभु की वाणी सच में यिर्मयाह को प्रकट हुआ था, प्रकट हुई थी, और यिर्मयाह को ये पता है कि 70 साल तक उनको निर्वासन में रहना होगा, अवधि लंबी होगी, निर्वासन की अवधि लंबी होगी। इसलिए इस पत्र द्वारा यिर्मयाह उन निर्वासितों को ये बताना चाहते हैं कि निर्वासन की अवधि लंबी होगी, इसलिए तुम लोग वहीं पर सेटल हो जाओ, अपने परिवार को संभालो, वहां पर अच्छा से रहने के लिए कोशिश करो। जैसा कि यहाँ पर उसने अपने पत्र में लिखा, विश्वमंडल का प्रभु, वचन 4 से, विश्वमंडल का प्रभु इसराइल का ईश्वर उन सभी बंदियों से ये कहता है जिन्हें मैंने यरूशलेम से निर्वासित किया, तुम लोग घर बनाओ, बस जाओ, बगीचे लगाओ, उनके फल खाओ, विवाह कर, पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो। अपने को वहां पर जो भी मौका मिल रहे हैं, जो भी आपको फुर्सत मिल रहे हैं, जो भी कार्य करने की मौका मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करो और उस जगह में मन लगाओ और उस जगह के लिए प्रार्थना भी करो, उन लोगों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाओ। आपको प्रभु ही वहां पर भेजा है तो वहां पर प्रभु के नाम फैलाओ, प्रभु के नाम पे उनके लिए प्रार्थना करो और उस जगह के लिए, बाबुल के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाओ। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, विवाह कर, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ, पुत्रियों के लिए घर वर खोजो जिससे उनके भी संतान हो, वहां तुम्हारी संख्या बढ़ती रहे, घटे नहीं। उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। जिन्होंने बंदी बनाया, जिन्होंने उनको गुलाम बनाकर निर्वासन में डाल दिया, उनके लिए प्रार्थना करो और उस जगह के लिए प्रार्थना। पुराने विधान में शत्रुओं के लिए इस तरह की प्रार्थना की बात बहुत अभूतपूर्व है। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन है यिर्मयाह के द्वारा प्रभु देते हैं। और ये भी बता रहे, वहां पर भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों के धोखे में मत जाओ, जो ये कह रहे हैं जल्दी लेकर जाएगा आपको, और नबूकदनेस्सर को प्रभु अभी पराजित करेगा और हमको जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर घर मत बनाओ, यहाँ पर शादी वगैरह मत करो और जल्दी तैयार रहो जाने के लिए। ऐसा काफी लोग बोल रहे हैं, उनकी थोके में ना रहो, निर्वासन की अवधि लंबी होगी, यही है वचन। हालेलुया। और अगले भाग में 10 से 15 तक के वचनों में, 10 से 14 तक के वचनों में प्रभु उनको ये बता रहे, जब बाबुल के ये 70 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और स्वयं लेकर जाऊंगा, तो तुम यहाँ पर रहते वक्त भी तुम्हारे ऊपर मेरा ध्यान है, तुमको मैं छोड़ा नहीं, थोड़ी सी तकलीफ में है, विपत्ति में है, किंतु उसमें भी आप प्रभु का नाम लेते हुए आराम पा सकते हैं, ये जानना कि जरूर प्रभु की उपस्थिति आपके साथ होगी, प्रभु आकर आपको वापस ले जाएंगे। और वो सुंदर वचन जिसको हम अक्सर सुनते हैं कई जगह में, हम इस वचन को इस्तेमाल करते हैं, वचन 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। देखिए, अपने पापों के कारण यहाँ तक पहुँच गए, उसके बावजूद प्रभु उन पर कैसे तरस खाते हैं, और पाप में पड़े हुए लोगों पर भी, पाप के कारण विपत्ति झेल रहे हैं, लेकिन उस समय भी प्रभु का प्यार और उसकी दया, उसका ख्याल उनके साथ है। मैं तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना जानता हूँ, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। लेकिन प्रार्थना क्या करनी है, पहले से प्रभु बताया 70 साल रहना होगा, इसलिए ये प्रार्थना मत करो कि कल ही हमको वापस लेकर जाओ,
प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, हम लोगों को स्वस्थ यहाँ पर अच्छा सुखी और आनंदित होकर यहाँ पर बैठने दो और धार्मिक जीवन बिताने की कृपा मिले, ये सब प्रार्थना करनी है। और जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इस तरह उनके लिए एक आशामय संदेश प्रभु दे रहे हैं। आगे 15 से लेकर 20 तक के वचनों में, किंतु जो लोग निर्वासन में गया नहीं, यरूशलेम में रह गए, उनके प्रति प्रभु की अप्रसन्नता नबी के द्वारा प्रकट हो रही है। कारण क्या है? उन लोग अपने को अब बेहतर समझते हैं। सभी लोग पाप में थे, लेकिन कुछ लोगों को प्रभु जाने के लिए नहीं दिया, किंतु उन लोग अभी घमंड कर रहे हैं, हम अभी अच्छे हैं, हम पर प्रभु प्रसन्न है, और बाकी लोग ज़्यादा पापी थे इसलिए उन लोगों को लेकर गया। इस तरह वे पछतावा करने के बजाय, प्रभु को खोजने के बजाय, वे अपने धर्माचरण पर सब या गर्व कर रहे हैं। वास्तव में कोई धर्माचरण ही नहीं थे, वे सब एक ही प्रकार पाप में थे। फिर भी कुछ लोग यहाँ पर रह जाने के कारण वे सोचने लगे कि हम उन लोगों से बेहतर है, अच्छे हैं, इसलिए उन पर प्रभु अप्रसन्नता घोषित कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर दंड जरूर आने वाले और भारी विपत्ति आने वाली है। ऐसा ही हुआ। हालेलुया। आगे 20 से लेकर 32 तक के वचनों में प्रभु कुछ लोगों के नाम लेकर पुकारते हुए उन पर दोषारोपण कर रहे हैं नबी के द्वारा, वो भी निर्वासन में रहने वाले लोग, कोलाया के पुत्र अहाब और मासेया के पुत्र सिदकिया के विषय में, जो मेरे नाम पर तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। विश्वमंडल का प्रभु इसराइल का ईश्वर कहता है, मैं उन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हवाले कर दूंगा, वह तुम्हारी आंखों के सामने उनका वध कराएगा। वहां पर कुछ भविष्यवाणी करने वाले कुछ लोग थे, उसमें दो लोगों का नाम लेकर बोल रहे, झूठे भविष्यवाणी कर रहे थे। लोग क्या बोल रहे थे? ये राजा नबूकदनेस्सर को प्रभु तुरंत मार डालेगा, हम लोग वापस जाएगा, तुरंत वापस जाएंगे, इस तरह की बातें वे लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे उनके, और लोगों को झूठी एक आशा दे रहे थे। इसलिए वे लोग सब सेटल होना नहीं चाहते थे, अपने घर की व्यवस्था वहाँ पर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग वापस अपने देश तुरंत जाएंगे सोचकर बैठे। उसके पीछे इन लोगों का कारण था, लोगों को तकलीफ में डालने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रभु दोष लगा रहे हैं। और आगे 24 से लेकर वचन, तुम नहलाम निवासी शमाया से कहोगे, विश्वमंडल का प्रभु इसराइल का ईश्वर कहता है, तुमने अपने नाम से यरूशलेम के सब निवासियों, सभी याजकों, मासया के पुत्र याजक सफनिया को पत्र लिखा। ये क्या है? ये आदमी शमाया उसका नाम है, बाबुल के निर्वासन में रहते हुए यूदा में रहने वाले लोगों को एक पत्र लिखा। ले केवल लोगों को नहीं, वहाँ के पुरोहितों को, वहाँ के महान पुरोहित, उसका नाम है सफन्या, उसको सब ये पत्र लिखा कि वहाँ पर कुछ झूठे नबी है जो ये घोषणा करते हैं कि निर्वासन की अवधि लंबी होगी। किसके विषय में बोल रहे? वास्तव में यिर्मयाह के बारे में। वहां पर ऐसे कोई झूठे भविष्यवक्ता है जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि निर्वासन की अवधि लंबी होगी, इसलिए तुम घर बनाओ और बच्चों को पैदा करो। ये सब बोलने वाले कुछ नबी वहां पर है, विशेषकर अनातोत के यिर्मयाह। उनको सब तुम क्यों नहीं सुधारते हो? उनको उनके लिए क्या करना चाहिए? कठ बेड़ी और गल बेड़ी पहनाना चाहिए और उनको फटकारना चाहिए। वे नबी होने का दम भरता है, इसलिए उनको सब जेल में डालना चाहिए, उनको सब भविष्यवाणी करना नहीं देना चाहिए, बोलकर इन्होंने एक पत्र लिखा। ये पत्र याजक सफन्या ने नबी यिर्मयाह के सामने ही पढ़ा। हालेलुया। इसके बाद यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, सभी निर्वासित लोगों को ये कहला भेजो, नहलाम निवासी शमाया के विषय में प्रभु कहता है, यदि भी मैंने शमाया को नहीं भेजा था, फिर भी उसने तुम्हारे सामने भविष्यवाणी की है, तुम्हें झूठा विश्वास दिलाया है, इसलिए प्रभु कहता है, मैं नहलाम निवासी शमाया उसके वंशजों को दंड दूंगा।
ऐसा उनके ऊपर तकलीफ आई, क्योंकि जो कार्य प्रभु उनको प्रेरणा नहीं दिया उसी को प्रभु की प्रेरणा है बोलकर उन्होंने घोषणा की और यिर्मयाह के खिलाफ बात किया। प्रभु के चुने हुए एक व्यक्ति के खिलाफ जब आप कुछ करते हैं आप स्वयं सीधा प्रभु के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर अब प्रभु ने दंड की घोषणा की। यही है अध्याय 29। हालेलुया। 30वां अध्याय यूदा के उद्धार की एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा उससे हमको इसका अर्थ पूरा समझ में आते हैं। वचन 11, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु कहता है मैं उन राष्ट्रों का विनाश करूंगा जिनमें मैंने तुम्हें बिखेरा है। अंत में बाबुल का मैं विनाश करूंगा, ऐसा ही हुआ। किसके द्वारा? सिरुस के द्वारा। किंतु मैं तुम्हारा विनाश नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें उचित सीमा तक दंड दूंगा, उचित सीमा तक दंड दूंगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे ऊपर आई हुई दंड सीमा से अधिक होने के लिए नहीं दूंगा। तुम ये विपत्ति में बर्बाद हो जाए मैं नहीं दूंगा, ये दर्द तुमको सुधारेगा, शुद्ध करेगा, ऐसा है। मैं किसी भी तरह तुम्हें दंड दिए बिना नहीं रहूंगा, वो भी है। हालेलुया। ये दंड जरूर होंगे लेकिन मैं साथ दूंगा, मैं उद्धार करूंगा। इसलिए प्रियजनों, जो दंड जो दर्द ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं उससे हृदय परिवर्तन, कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपको निराश नहीं होना, प्रभु बार बार उनको संदेश दे रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, दर्द के समय में हिम्मत नहीं हारना, बल्कि अपने मन परिवर्तन के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए समझकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वचन 17, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं तुम्हारे घाव भर दूंगा। ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्ता कहा है। लोग क्या बोला, परित्यक्ता है, इनका कोई नहीं है, ऐसा कहा है। सियोन जिसकी कोई परवाह नहीं करता, ऐसा लोग बोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमको हाथ पकड़कर वापस लेके आऊंगा और तुम्हारे बीच में क्या करूंगा। वचन 19, उनमें से स्तुतिकान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी, मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा। प्रभु यूदा के बारे में कह रहे हैं वह फिर कभी नहीं घटेगी, मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। इतना वायदा करने के बाद और एक वायदा आती है, वो सबसे सुंदर वायदा मसीहा के बारे में एक भविष्यवाणी है, मसीहा के बारे में एक वायदा है, ए प्रॉमिस, मसीहानिक प्रॉमिस। वचन 21, उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा, वह मेरे पास आएगा। इसका मतलब राजा होगा लेकिन मेरे पास में आने वाला भी होगा। राजा होगा, पास में आना पुरोहित यानी प्रभु के पास जाने वाला, इसलिए वो उनकी ओर से, लोगों की ओर से मेरे पास आएंगे और उनके राजा भी होंगे। मतलब वो ये आजग एक पुरोहित होगा, साथ में राजा भी होगा। हालेलुया। मसीहा के बारे में, क्योंकि कोई भी अपने पास अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता, जब तक प्रभु देता नहीं है, जब तक प्रभु ने पुरोहित नहीं बनाता, कोई भी उनके पास यूं ही नहीं जा सकता। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति को मैं भेजूंगा, वो उनका राजा होगा, साथ में उनकी ओर से मेरे पास भी आएंगे। इसलिए वो हमारे राजा है यीशु, और हमारी ओर से पिता के पास मध्यस्थता मांगने वाले। यीशु के बारे में अब क्या कहते हैं, वो पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की हो जो मैं तुमको दूंगा, वो मसीहा है जो तुम्हारे बीच में है, उत्पन्न होगा। इसलिए मसीहा के बारे में ये सुंदर संदेश इस अध्याय में भी हमको मिलते हैं। इसलिए पुराने विधान के वचनों में मसीहा छिपा हुआ है, और वो जैसे हमको इसके अर्थ समझ में आते हैं, वो उठ खड़े हो जाते हैं वचन में हमसे मिलने के लिए। प्रभु को धन्यवाद।
मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 में सबसे पहले हम यीशु के तिरस्कार की बातें पढ़ते हैं। नाजरत में, जो अपने ही नगर है, वहां पर जब लोगों ने उनकी ज्ञान भरी बातें सुने, उनके महान चमत्कारों को देखे, उनके बारे में चर्चा हो रही थी, उस समय उन लोग अविश्वास किया। क्या बोलकर वचन 3, क्या ये वही बढ़ई नहीं है मरियम का बैठा? अनेक दंता हो सकता था, प्रभु अपना सकता था, लेकिन बढ़ई गिरी को ही उसने चुना अपने पिता की तरह। हालेलुया। बढ़ई जो है एक निर्माता है, घर बनाने वाला है। से संदेश क्या होता है? प्रभु हमारा घर बनाने वाला है, वो जरूर उसको पूरा भी करेगा। बढ़ई होने के नाते उनको कुछ बातों की विशेष जानकारी थी। हालेलुया। एक काठ की क्षमता क्या होती है वो अच्छी तरह शायद जानता था। काठ पे, काठ के दो टुकड़ों पे मानव जाति के लिए जो कार्य वो हासिल करने वाला था वो अच्छी तरह जानता था। हालेलुया। और कुछ उपयोगी चीज बनाना हो तो उस पर काम की और समय की जरूरत होती है, प्रभु जानता था। इसलिए इंतजार किया पिता के समय के लिए। और सबसे अच्छी चीजें, सबसे उपयोगी चीजें बनाने के लिए सबसे मजबूत काठ की जरूरत है, वो भी वो जानता था। इसलिए प्रभु के लिए, अपने पिता के लिए और मानव जाति के लिए सबसे उपयोगी कार्य करने के लिए कितना मजबूत रहना है यीशु जानता था। और उन लोग क्या कहते थे? ये मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई, क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? ये वचन लेते हुए कई लोग बोलते हैं यीशु के अपने भाई बहन होते थे, इसका मतलब मरियम कुवारी नहीं थी। हालेलुया। मरियम के और बच्चे थे, ये वचन बराबर उसको इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में उसको समझने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि यहूदियों की प्रथा के अनुसार केवल निजे भाई बहनों को ही वे भाई बहन नहीं कहते थे, चचेरे भाई बहनों को, अपने भतीजे भतीजी को भी वे भाई बहन कहते थे। फादर ऐसा कैसे बोल सकता है? वचन में हम कई जगह में ये बात देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बहुत सारा वचन अभी नहीं दे सकता हूं, फिर भी कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा। उत्पत्ति ग्रंथ, वहां पर 14वां अध्याय वचन 16, फिर वह सारे सामान तथा अपने भाई लोथ को उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों आदमियों को वापस ले आया। अपने भाई लोथ, क्या इब्राहिम का भाई था लोथ? नहीं था, इब्राहिम के भाई के बेटे थे। हालेलुया। लेकिन उसको भाई कहता है। वास्तव में लोथ कौन था? 12वां अध्याय वचन 5 में लिखा है, अब्राम अपनी पत्नी सारई तथा अपने भतीजे लोथ को अपने साथ ले गया। भतीजा लोथ भतीजा था, लेकिन उसको इस अध्याय में क्या बोला? अपने भाई। इस तरह का यूज उनके बीच में वो प्रयोग बहुत आम होता था। भाई इस्तेमाल करता था, निजे भाई बहन नहीं होने पर भी भाई बोलता था। उदाहरण के लिए और एक वचन, लेवी ग्रंथ अध्याय 10, वहां पर क्या है? हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूप दानों में आग रखकर उसमें धूप द्रव्य डाला, प्रभु को ऐसी अग्नि अर्पित की जो प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं थी। इस पर प्रभु के सामने से अग्नि निकली, उसने उन्हें भस्म कर दिया, वे मर के वहां पर पड़े रहे अंदर। कौन? हारून के पुत्र नादाब और अबीहू। देखिए आगे, इस पर मूसा ने हारून से कहा, प्रभु ने यही कहा था, जो मेरे निकट आएंगे वे मुझे पवित्र मानेंगे, सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा प्रकट हो जाएगी। हारून मौन रहा। मूसा ने हारून के चाचा
उज़ीएल के पुत्र मिशाएल और एलसाफान को बुलावा भेजा। देखिए, हारून के चाचा के पुत्र, चाचा एलसाफान, चाचा कौन था? उज़ीएल था। उसके पुत्र मिशाएल और एलसाफान को बुलावा भेजा। इसका मतलब ये लोग हारून के बैठे लोग नहीं है, बल्कि रिश्तेदार है। और उनसे क्या कहा? यहां आओ, अपने भाइयों को पवित्र स्थान से शिविर के बाहर ले जाओ। अपने भाइयों को, ये भाई किसके बारे में बोल रहे हैं? उनके रिश्तेदार केवल है। ये हारून के बच्चे जो बैठे लोग, जो दो मरे हुए पड़े हैं अंदर पवित्र स्थान में, उनको ले जाने के लिए हारून के चाचा के चाचा उजियल के पुत्र मिशाएल और एल्साफान को मूसा कह रहे हैं, अपने भाइयों को पवित्र स्थान से शिविर ले। अब समझ में आए, जो रिश्तेदार है उनको भी भाई कहलाते हैं, उन लोग बोलते थे। इसी अध्याय में, मार्कुस के अध्याय 6 में वचन 17, हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण, अपने भाई फिलिप, लेकिन इतिहास की जिनको परिचय है इतिहास के, उन लोगों को पता है ये हेरोद के निजा भाई नहीं था, चचेरा था, हालेलुया, फिलिप, लेकिन उसको भाई कहा है। और ये बराबर इस्तेमाल करते थे भाई बहन शब्द। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन 13, जब वे बोल चुके थे तो भाई याकूब ने कहा, भाइयों मेरी बात सुनिए, ये किसको बुला रहे हैं? ये उनके निजा भाइयों को नहीं बोल रहे थे, हल्लेलुया। और दूसरी बात, यहाँ पर भाइयों के नाम किस क्या क्या बोला है? याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन। याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन। देखिए, ये मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 वहाँ पर 56 वचन, उनमें मरियम मगदलना, यीशु मर रहे थे उस समय, पास में कुछ स्त्रियां थी, उसमें मरियम मगदलना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम, ये एक दूसरा मरियम है। इसका मतलब यहाँ भाई यों के नाम बताए गए, उसमें याकूब और यूसुफ है, और याकूब और यूसुफ की माता दूसरी मरियम थी, यीशु की माँ मरियम नहीं थी, दूसरी मरियम थी, रिश्तेदार थे, हालेलुया। इसलिए ये रिश्तेदारों का नाम, यहां पर जो भाई बहन के नाम बताया गया, उन लोग रिश्तेदार थे, चचेरे भाई बहन यार है, और कसिन्स थे, हालेलुया। इसलिए बाइबल की भाषा जब तक हम नहीं जानते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हुए काफी बातें गलत तो बता सकते हैं, हालेलुया। तो उन लोगों ने अविश्वास किया, इसलिए क्या हुआ? वचन 5, वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके, उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। चमत्कार नहीं कर सके, क्या उस पे सामर्थ्य नहीं थे? सामर्थ्य था, लेकिन सामर्थ्य उसके पास होना केवल काफी नहीं है, सामर्थ्य जिसके ऊपर प्रकट होनी है उनकी ओर से सहमति की जरूरत है, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बार बार हम पढ़ते हैं, प्रभु कई कई जगहों में इतने सारे चमत्कार किया कि उनके सारे रोगियों को चंगा किया। यहां पर उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया, बाकी सारे रोगियों को चंगा नहीं किया। इसमें लिखा है चमत्कार नहीं कर सके, हालेलुया। कारण यही है, चमत्कार जिनके ऊपर की जानी है, उन लोगों की सहमति की कमी जब होती है तो चमत्कार होते नहीं है। इसलिए प्रभु कई जगह में बोलता है, तुमने जैसे विश्वास किया वैसे तुम्हारे साथ हो जाए, तुमने इस प्रकार बोलने के कारण तुम्हारी बेटी चंगी हो गई, जो तुम जैसे तुमने कहा वैसे तुम्हारे साथ हो जाने दे, इस तरह कई जगह में प्रभु बोलते। इसका मतलब एक व्यक्ति के विश्वास के अनुसार ही वो ईश्वर की कृपा को स्वीकार कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए कृपा का बर्तन बनना जरूरी है, कृपा पात्र बनना जरूरी है, तब जाकर कृपा बहती है, चमत्कार होता है, हालेलुया। आगे हम एक वचन इस तरह पढ़ते हैं, वचन 14, हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी, हालेलुया।
तो कई लोग कहते थे योहन बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एलियस है, कुछ लोग कहते हैं पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। लेकिन हेरोद ने यह सुना, तुरंत क्या कहा मालूम? वचन 16, यही योहन ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हालेलुया। तुरंत हेरोद ने क्यों ऐसा कहा? हालेलुया। कारण इनको डर था, उसके पुराने पाप का एक डर। इसने योहन के सिर कटवाया था, इसलिए जब यीशु को देखा तुरंत उसको पुरानी याद आई। वास्तव में उसके दिल पे हमेशा बना रहता था। वचन हमको क्या बताते हैं? गणना ग्रंथ के 32:23 में तुम्हारा पाप पीछा करेगा। हालेलुया। ऐसा एक वचन, योर सिन विल फाइंड यू आउट इन इंग्लिश, ऐसा है इंग्लिश में, ऐसा योर सिन विल फाइंड यू आउट। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में शायद तुम्हें अपने अपने पाप का सजा दंड भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ट्रांसलेशन है। लेकिन वास्तव में कैसा है? तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा करेगा, ऐसा है। इसलिए उसका पाप उनको पीछा किया, तुरंत योहन बपतिस्ता का नाम ले रहे हैं। उसी ने मेरे ओ जी उठ के आया होगा, इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ भी था। हालेलुया। और हेरोद ने योहन बपतिस्ता को किस तरह मारा था और क्या कारण था, उसके विषय में पढ़ते आगे हम रोटियों के चमत्कार और ईसा समुद्र पर चलते हैं और गनेसरत पहुँच कर वहाँ पर कितने सारे चमत्कार हो रहे। देखिए, यीशु गनेसरत पहुँच कर उन्हें नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया। वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। पहले एक अवधूतग्रस्त को वहां पर प्रभु काम में लगाया था, उसके काम अब देखा, उसके काम के कारण ही इतने सारे लोग। अब उस समय उन्होंने क्या कहा था? अब हमारे जगह में वापस नहीं आना बोला था, लेकिन अब देखा उसका काम कैसा हो रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कितना बदलाव डाला उस जगह में। एक व्यक्ति काफी है प्रभु के बारे में बोलने के लिए, बहुत प्रभाव वो लोगों पर डाल सकता है। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य, पवित्र मरियम की विशेष मध्यस्थता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जयसु।